गिलगित बल्तिस्तान के एक गरीना और काफ़ी सालों से ये एक इशू है गंदम के हवाले से। थोड़ा सा इस इशू को मैं इसके बैकग्राउंड की तरफ लाता हूँ कि 1972 में गिलगित बल्तिस्तान, चतराल और एजेके इन इलाकों के लिए भट्टू साहब ने सब्सिडी दिया हुआ था, वो किराया के सब्सिडी सिर्फ जो है पंजाब का रेट पे हमें यहाँ पे मिल रहा। 1972 से 2002 तक जो वफाक में रेट बढ़ता था, रिपोर्ट रेट, वो यहाँ पे भी बढ़ता गया। 2002 से 2009 तक इसी दौरान रेट अपने जगह पे बरकरार रहा है और उस वक्त हमारा सूबा जो है वो वफाक के साथ था, हमें सूबा सेटल नहीं दिया गया था। तो ये 8 साल है या 7 साल जो दौरानिया है, इसमें वफाक ने वास्को को डिमांड देके हमें गंदम दिया गया, लेकिन 19 अरब रुपए कर्जा बना था गिलगित बल्तिस्तान का। हम उस वक्त पीपल पार्टी की हुकूमत था, उस काबिने में हम थे। उसी दौरान सूबाई हुकूमत पे वहाँ प्रेशर पड़ा कि जी आप लोग रेट बढ़ाए या यह है कि आप अपना कोई इंतजाम करें, चूंकि सूबा बना है तो हम आपको कर्जे पे नहीं दे सकते। बहरहाल उस वक्त के सीएम ने वहाँ जाके 2-3 इशूज पे उनके साथ डायलॉग किया और 70% रेट बढ़ाने का इन्होंने उनके साथ तय किया और 18 लाख बोरी गंदम देने का फैसला किया। यहाँ के उसने उस वक्त रेट मेरे ख्याल में कम था, क्योंकि यहाँ हम 850 ले रहे थे, तो जो हमें पहुंच रहा था 1600-1800 इस तरह, इससे ऊपर नहीं थे। तो ये इन्होंने जाके 1.5 रुपए के हिसाब से 6-7 महीनों में वही रेट तक जाना था जो 100% रेट पे। बहरहाल उस रेट को इनोस के बाद यहाँ के आवाम ने उसको तस्लीम नहीं किया। आपको पता है कि वो फिर वफाक मजबूर होके जो फैसला सूबाई हुकूमत का था वापस हुआ। फिर जब नून का हुकूमत बना था फिर ये दोबारा इशू बना। उस वक्त भी गंदम के हवाले से इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन यहाँ जो टैक्सेस के मामलात में हमारा एक्शन कमेटी बना, उसमें तकरीबन पूरे जीवी की आवाम उसमें थे, 95% लोग ये नहीं मानता था कि जीवी में जब तक हमें आईनी सूबा नहीं दिया जाता है तो यहाँ टैक्सेस नहीं होना चाहिए। तो आप सबको मालूम है कि ये उस वक्त भी ये इशू गंदम का भी था, भी उसके साथ इनकी जो मुतालबात था उसमें वीट का इशू भी शामिल था। वफाक ने उस वक्त जो हमारा उस वक्त नून के वक्त में हमें मेरे ख्याल में 29 अरब तक गए थे वो कर्जा भी वफाक ने दिया और आइंदा के लिए हमें बोरियों से ला के सब्सिडी पैसों में 6 अरब में फिक्स किया और नून के 2-3 साल 6 अरब में हमें उस वक्त के रेट के हिसाब से मिलता था। लेकिन जो ये रेट बढ़ गया तो इन्होंने रेट नहीं बढ़ाया, गंदम में कट लगाया, हमें 17 लाख बोरियों से ला के पिछले साल हमें 12 लाख बोरी बड़ी मुश्किल से मिला। आपको पता है कि मौजूदा इस वक्त के रेट जो है 16.5 लाख और 14.5 लाख के दरमियान, यूक्रेन और लोकल हमारे गंदम 14.5 हजार और 16.5 हजार का यहाँ जीवी में पड़ता है और हम 2100 रुपये देते थे। तो जब से हमारा हुकूमत बना फिर वफाक की तरफ से भी और ये एक इशू था कि जो हमें 9.5 अरब रुपये पिछले बजट में सब्सिडी मिला, 9.5 अरब रुपये में मेरे ख्याल में 8 लाख पूरी हमें मिलता था, तो वो यही जनवरी में हमें 9.5 अरब पारित होना, जनवरी के बाद हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं था।
हमने एक दो मीटिंगों में कहा कि हम यहाँ के सियासी पार्टियों के साथ बैठ के एपीसी बोला के और यहाँ के जो अवामी जो स्टेक होल्डर है यहाँ के तंजीमें हैं उनसे मिल के उनसे उनकी मशवरत के बाद कुछ नतीजे पाएंगे। मगर ग्रामोत्सव यहाँ पे बैठा इसने दो तीन मीटिंगों में यही कहा कि हमने टाइम दिया मगर उनसे रबते हमारा नहीं हुआ। तो शिकायतों में हमने फैसला किया एक उसूली फैसला किया कि वफाक का दो चीज़ों का डिमांड था हमारों को। एक तो यह है कि आप ये जो रेट है इसको 70% तक लेके आना है। दूसरा ये है कि इसको सब्सिडाइज कर इसको ना टारगेटेड करें। तो टारगेटेड का उनका ये दिमाग में था कि जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मेरे ख्याल में 45% जी बी के लोग टारगेटेड में आते थे मिस्टेक होते थे और 55% रह जाते। हमने उस उनका ये दो इशू को कम करके 5200 और जो टारगेटेड में हमने 17 वो करके फैसला किया। लेकिन वो लागू नहीं किया था यकुम दिसंबर से हमने लागू करने का फैसला किया था। मगर हमने यहाँ के एक्शन कमेटी के साथ मुदाकरात हुआ और उनके साथ दो मीटिंगों के बाद उन्होंने कहा कि हमें कुछ 7-8 टाइम दे दें। इसी दौरान हमने 45 के अंदर तमाम जीबी के हमारे जो कुरेशन पार्टियाँ थे या अहले सुन्नत की तंजीम था इंजमन इमामिया बाजार की तंजीमें तमाम लोगों से मिल के उनका राय हमें मिला। आज हम इस स्टेज पे आ गया कि 80% लोगों ने कहा कि हमें थोड़ा रेट बढ़ना इतना बड़ा बात नहीं लेकिन क्वांटिटी की जो कमी है हमें जो गंदुम पे कर लगा है गंदुम गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को जो इनकी ज़रूरत के मकदार यहाँ पे मिलना चाहे। तो हमने वफाक के साथ तीन चीज़ों के शराइत के साथ एक तो यह है कि इसको हम 15 बोरी पे अभी जनवरी से हम जो रेट लगाएंगे उस रेट के साथ हम फी नफरी 7 गंदुम देंगे। इस वक्त हमारा दियामर में 3 किलो मिल रहा था बाकी जिलों में 4 मिलता था गिलगित और सिकंदरा में कुछ इलाकों में 4 मिलता था किसी में 3 मिलता। तो हम इस रेट को जो 5200 हमने तजवीज किया था क्योंकि अगर हम 5200 भी लगाते तो हमें शॉर्टफॉल होता था कोई 5.5 अरब का मजीद भी हमें शॉर्टफॉल होता था। लेकिन आवाम के यहाँ आवाम के हालात को देख के गिलगित बल्तिस्तान के मालूमी हालात को देख के हमने कमी फैलाई। हमने इसको 36 फी किलो और 100 kg की बोरी जो है 3600 फैला। चूँकि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को जो गंदुम की कमी था वो पूरा करने के लिए बहालत मजबूरी हमने 5200 से कम 1600 कम करके 3600 पे फैसला किया है और यकुम जनवरी से हम 3600 के साथ 7 फी नफरी गंदुम भी देंगे। दूसरा ये है कि हम 75% जो है पंजाब के लोकल गंदुम और 25% यूक्रेन का उसमें भी हमारा कोशिश होगा कि वो 25% भी कम करके हम इंशाल्लाह 100% पंजाब का लोकल गंदुम देने के लिए कामयाब होंगे। तो इन्हीं मजबूरियों की वजह से हमने आज ये फैसला जो है हमने कम किया और इसमें यहाँ एक्शन कमेटियों के साथ भी हमारा हुआ तंजीमियों के साथ हमारे सियासी जो मेरे साथ कोलिशन पार्टियाँ हैं इन सब के मशवरे से हम इस नतीजे पे आए हैं और इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान का ये जो मसला है इसको मौजूदा हुकूमत मजीद की कमी के तरफ लेके जाएगी। अच्छा सर इससे ये बताएं कि अगर ये जो फैसला आपने किया ये एक्शन कमेटी इस से मुदाकरात के बाद हुआ
और साथ में ये कि क्या ये रेट सालाना बुनियादों पर बढ़ता जाएगा कि ये स्टैटिक रहेगा? ये गुलाम साहब आप मैं जवाब दूंगा फिर आप बात करें। ये जो रेट है आपको पता है कि अभी इस वक्त वहाँ का रेट जो है इधर हमें इस वक्त पहुंचता है 14,500 और 16,500। ये रेट आगे जून तक हो सकता है दोबारा सपोर्ट रेट बढ़ेगा, लेकिन हम ये कंफर्म नहीं करते ये रेट 10 साल के लिए होगा या ये रेट जो है जून तक होगा। इस रेट को हमारा कोशिश होगा कि हम इसके साथ दो चीजों का हम मुतालबा करते हैं वफाक को। नंबर एक ये कि हमें जब तक आईनी सुबह में शामिल नहीं करते हम एनएफसी के जो हमारा फिगर हमें बनता है उसको एजेके की तरह हमें फिक्स करें, हमारा ये डिमांड होगा। और इंशाल्लाह इसमें हम एक्शन कमेटी और यहाँ के तमाम सियासी पार्टियां सबका सपोर्ट देंगे और हम हमारा कोशिश होगा कि नेक्स्ट बजट में हमें फिक्स करेंगे कि हम उनके जो है ग्रांट पे बार बार जाके सवाल करने से बच जाएंगे। दूसरा हमारा ये होगा कि फ्यूचर के लिए हम अपना ये भी मैं यहाँ गंदुम बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर में रिफॉर्म देंगे और 5 अरब रुपए हमारा डिमांड पहले हमने रखा भी है और इसी बजट में हम इंशाल्लाह वफाक से 5 अरब रुपए इजाफी लेंगे ताकि उससे आइंदा के लिए हम अपना जीबी में रिफॉर्म देंगे। और रेट का मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये बाद में नहीं बढ़ेगा हालात के मुताबिक उस वक्त। सीएम साहब सवाल ये है कि अगर ये आपने 3600 रुपए पे तो लेके आए अगर फिर भी मतलब ये है कि एक्शन कमेटी और जो दीगर जो अपोजिशन जमाते हैं वो नहीं मानते हैं वो प्रोटेस्ट पे जाते हैं तो उस वक्त आप लोगों का लाहमल क्या होगा? ये रेट 80% जीबी के तमाम लोगों ने लोगों के साथ हमारा रबिता हुआ और इन्होंने तस्लीम किया, हो सकता है 20% लोग नहीं माने। सीएम साहब इसमें यह है कि हमारे अपोजिशन के जो भाई है इन्होंने काफ़ी कोशिश किया असम्बली में भी और यहाँ सिकंदू में जाके भी सियासत करने का। मैं कहता हूँ कि इस गंदुम से सियासत हम नहीं करेंगे, ये सियासत की चीज़ नहीं है, ये गिलगित बल्तिस्तान का है, तमाम जमातों के तमाम पार्टियों के तमाम यहाँ के रहने वाले लोगों का एक भट्टू साहब ने दिया हुआ सब्सिडी बाद में परवेज मुशर्रफ ने उसको फ्री में दिया है किसान का हमें, तो हमारा भी फुल कोशिश होगा कि जितना भी कमी पे आने के लिए हमारा कोशिश होगा और हम आवाम के साथ होंगे क्योंकि हम मुंतखब मेंबरान का यही कोशिश होता है कि आवाम के ऊपर बोझ कम हो। तो दो चार लोग जो है इसमें सियासत करते थे वो इनका अपना। अच्छा सीएम सर ये बताएगा क्योंकि अभी आपने कहा कि अपोजिशन के अकाउंट जो है वो सिकंदू में जाकर सियासत कर रहे हैं तो जब साजिश कर रहे हैं इस मसले पर, जब आपको साजिश का पता है तो रियासत और गवर्नमेंट इतनी कमजोर है कि वो साजिशों को नकाब कर लोगों को जो इंतजार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई पकड़ टकर करता है? पर मुद्दा ये होता है ना ये साजिशें जो होता है ये सियासी साजिश है इस पर कोई फांसी नहीं होती, वो उनका अपना अमल होता है वो कर रहे हैं। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के 80% लोगों ने ये समझा है कि ये 3600 भी हमें फ्री है किस्म का क्योंकि हमें 16,000 पे मिलता है तो ये भी 9 के बराबर है। सीम साहब लास्ट सवाल सीम साहब ये बताएगा कि 3600 रुपये फी किलो कोई बुरी फैसला नहीं है और 3 किलो से बढ़ा के 7 किलो करना बहुत ही अच्छा फैसला है, असल मसला आवाम के लिए ये है कि क्वालिटी का एंड आटा मिले, क्या हुकूमत आवाम को क्वालिटी का आटा फराहम करने के लिए जो इकदाम है करेगी? बिल्कुल अभी गुलाम साहब भी बात करेंगे, हमने आवाम के ऊपर ये 1500 रुपये बढ़ाया लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें हम इनको देते हैं। एक तो ये है कि 3600 रुपये के साथ हम फिर नफरे 7 किलो देते हैं तो वो 15 लाख बोरियों से हम तकसीम करते हैं क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि 12.5 लाख बोरियाँ पिछले 2 सालों में हमें मिला, रेट नहीं बढ़ा सके लेकिन गंदुम पे कट लग गया। दूसरा यह है कि 75% जो है पंजाब का, ये दो चीज़ों का हम
गारंटी के साथ ये ऐलान करते हैं इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे। सर्वे किया था वो मुकम्मल नाकाम हो गया और आपको वापस लेना पड़ा। उसमें ये है ये टारगेटेड सब्सिडी के लिए नहीं किया था उसको, वो सर्वे इसलिए हो रहा था कि हम इसको सिस्टम में लाने के लिए, वो सर्वे सिस्टम में लाने के लिए हमने सर्वे किया हुआ था, लेकिन लोगों ने उसको जो है उल्टा मिस परसेप्शन दिया हुआ हमको कि ये जो है इसको टारगेटेड करते है फिलहाल करते है, तो हमने फिलहाल उसको मुलतवी किया है। इंशाल्लाह हम दो तीन महीने बाद सीएम साहब अभी आपने वो मुलतवी किया है, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं जब वो आपका वो सर्वे ही आपका नाकाम हुआ तो 80% जो लोग हैं वो आपके इस फैसले के मुताबिक नहीं नहीं नाकाम नहीं हुआ, वो 80% 90% लोगों ने किया हुआ, हमारे ध्यान में 100% लोगों ने किया है, सिकर्दो में भी किया है, कुछ इलाके में नहीं करता था, लेकिन उसको आवाम को ना आवाम को मिस परसेप्शन दे रहा था कि जी ये जो टारगेटेड करने के लिए, हालांकि वो टारगेटेड करने का वो आपको सिस्टम में लाने के लिए एक चोरी रोकने के लिए वो सर्वे हो रहा है, वो आप कर लेंगे इंशाल्लाह दो तीन महीने के बाद। हमने कहा कि हम आइंदा के लिए जो चोरी होता है जो लीकेज होता है वो सिस्टम में लाके